हज़रत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर हुए, तो कहा जनाब चलिए आपकी रूह लेने आया हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इज़राइल ये काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह ने इसको तफसीर मज़हरी में लिखा है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इज़राइल क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज़ करता है? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने तो मुझे दोस्त बनाया, दोस्त हो के दोस्त की रूह कब्ज़ करने जा रहा है। हज़रत इज़राइल ने इरादा छोड़ा और हज़रत इब्राहिम का वो जुमला लेके रब की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की मालिक, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो कि मालिक क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज़ करता है? तो रब करीम ने फरमाया, अब मेरा भी पैगाम जाके जनाब इब्राहिम को दे दो, उनसे जाके कहो रब फरमाता है क्या कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है? आपको तो मिलने को बुला रहे हैं, मौत तो एक पुल है, यहाँ से गुजरेंगे तो जाके महबूब से मिलेंगे, तो क्या कोई खलील भी ना पसंद करता है कि वो अपने खलील से मुलाकात ना करे? हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आए और कहा है अल्लाह के खलील रब फरमाता है क्या खलील भी खलील की मुलाकात को न... तो हज़रत इब्राहिम तो खोल के रोए, कहने लगे अब देर ना कर, अब ज़रा जल्दी कर,